कहते हैं पिता और पुत्र के बीच में बेहद ही खास रिश्ता होता है, जिसमें पिता का सबसे करीबी दोस्त उसका बेटा ही होता है। लेकिन यही बेटे अपने पिता की जान के दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने शादी नहीं होने से नाराज अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। पिता की कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या। शादी नहीं होने से पिता से नाराज था बेटा। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत, जिसने न सिर्फ अपने पिता की हत्या की बल्कि पिता पुत्र के रिश्ते को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तस्वीरों में पुलिस गिरफ्त में जिस आरोपी को देख रहे हैं, इसका नाम अर्जुन है। नाम अर्जुन और काम दुर्जनों की तरह करने वाले इस आरोपी ने अपने ही पिता जुआरिया लाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अर्जुन अपनी शादी नहीं होने से अक्सर पिता से नाराज रहता था और घटना वाले दिन भी किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपी बेटे ने आवेश में आकर अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। 20 तारीख को खातेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम रिछी में थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में जुवालियालाल गोड़ जो है वो घर पे पड़ा हुआ है। वहां जाकर देखा तो उसके सिर पर चोट थी। जब पोस्टमार्टम कराया तो धारदार हथियार से मामला प्रतीत हुआ, जिससे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना में 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जब थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती और उप निरीक्षक विनय बघेल के द्वारा हिकमत अमली से इसमें जब विवेचना की गई, पूछताछ की गई, तो यह पता चला कि उसी का लड़का जो अर्जुन गोड़ था वो अपने पिता से अपनी शादी न करने के नाम पे क्षुब्ध था और उस दिन एक छुटपुट जर्दा तंबाकू की बात को लेकर उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिससे वह आवेश में आकर धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया था। इस घटना को जब उसका एक छोटा लड़का अभिषेक था वो भी शाम को लौटा तो उसने इसकी पुष्टि की। उसका पिता उससे पानी भी मांगा था और थोड़ी देर में उसका पिता मृत जैसा हो गया था। तो इस पूरे अपराध में थाना प्रभारी उसकी पूरी टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए अर्जुन गोड़ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लाख प्रयासों के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिसके चलते गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। यही वजह थी कि आए दिन उसके और पिता के बीच विवाद होता था। खातेगांव से सत्तार खान की रिपोर्ट।